अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है द गोल्डन हाउस क्लास 4। डे हमारा 2 है, कल हमने एक्सप्लेनेशन की थी इस लेसन की द गोल्डन हाउस। आज हम करेंगे न्यू वर्ड्स विद मीनिंग प्लस सेंटेंसेस। सबसे पहले हमारे पास वर्ड है ट्विंकलिंग, चमक, यानी कि ट्विंकल का मतलब होता है चमकना, और ट्विंकलिंग चमक। द स्टार्स आर ट्विंकलिंग ऑन द स्काई, सितारे आसमान पर चमक रहे हैं। एक बार फिर से पढ़ती हूँ, ट्विंकलिंग चमक। द स्टार्स आर ट्विंकलिंग ऑन द स्काई, सितारे आसमान पर चमक रहे हैं। नंबर 2 पे है ऑर्डिनरी, मामूली, कोई आम सी चीज, कोई आम सी बात, उसको हम कहते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं ऑर्डिनरी, मामूली। वी शुडंट एंग्री ऑन ऑर्डिनरी थिंग्स, हमें छोटे छोटे इश्यूज पर नाराज नहीं होना चाहिए। रिलैक्स, सुस्त होना या आराम करना, आई फील रिलैक्स एट होम। रिलैक्स, सुस्त होना, आई फील रिलैक्स एट होम। नंबर 4 पे है स्टेयर, किसी चीज को गौर से देखना या घूरना, महनूर वाज स्टेयरिंग दैट ब्यूटीफुल हाउस। कल हमें पढ़ा था कि महनूर जो है वो स्टेयर कर रही है उस गोल्डन हाउस को, तो ये सेंटेंस हमने उसी से लिया है, स्टेयर गौर से देखना, महनूर वाज स्टेयरिंग दैट ब्यूटीफुल हाउस। नंबर 5 पे है हिल, पहाड़ों को कहते हैं, यहाँ पे हिल का मीनिंग है उर्दू में पहाड़। आई लाइक टू विजिट द हिल्स, मुझे पहाड़ों की सैर करना अच्छा लगता है। हिल, पहाड़, आई लाइक टू विजिट द हिल्स। नंबर 6 पे है ग्लीम, रोशनी या फिर शॉक, चमक को कहते हैं। आई सा ग्लीम ऑफ सक्सेस इन हर आईज, मैंने उसकी आंखों में कामयाबी की चमक, रोशनी या फिर शॉक, यानी कि इस तरह से मैंने उसकी आंखों में कामयाबी की चमक देखी, रोशनी देखी। ग्लीम, रोशनी या शॉक, आई सा ग्लीम ऑफ सक्सेस इन हर आईज। नंबर 7 भी है डिसअपियर, गायब होना। द ब्यूटी ऑफ थिंग्स डिसअपियर विद द पैसेज ऑफ टाइम, डिसअपियर गायब होना। द ब्यूटी ऑफ थिंग्स डिसअपियर विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि चीजों की जो खूबसूरती होती है वो वक्त के साथ साथ खत्म हो जाती है, गायब हो जाती है। एक बार फिर से पढ़ती हूँ ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो जाए। ट्विंकलिंग चमक, ऑर्डिनरी मामूली, रिलैक्स सुस्त होना, स्टेयर गौर से देखना, हिल पहाड़, ग्लीम रोशनी या श्वा, डिसअपियर गायब होना। दैट इज द वर्ड्स प्लस उर्दू मीनिंग विद सेंटेंसेस। ये आपका होमवर्क भी है, इसको आपने घर से लर्न करना है। थैंक यू।